बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर के बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, उसके साथ साथ अब आगे के कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात कि चाहे आपका नामांकन आईएससी आईकॉम या किसी भी या आईएम में हो गया या बीएससी बीकॉम या किसी भी आईआईटी कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है या किसी भी क्लास में आप उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मैट्रिक इंटर के बाद, तो आपके लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात कि मैट्रिक के बाद मिलने वाला जो स्कॉलरशिप है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। ध्यान से अंत तक देखिएगा, चाहे आप कॉम में पढ़ाई कर रहे हैं या बीकॉम में पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात कि बीए बीएससी कर रहे हैं या उससे भी ऊपर की आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी टेक्नोलॉजी कोर्स से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपको छात्रवृत्ति मिलने जा रहा है। ध्यान से पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि ये छात्रवृत्ति की बात हो रहा है, अर्थात कि जो यहां पे ये प्रोत्साहन राशि देख रहे हैं कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000 रुपया और फिर आपके इंटर उत्तीर्ण करने पे जो 25,000 रुपया मिलता है, ये प्रोत्साहन राशि है, इसकी हम लोग चर्चा नहीं करें। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति उन्हें ही मिलेगा जो मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके और आगे के कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी के बदले में छात्रवृत्ति मिलता है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आप नाम सुने होंगे, स्कॉलरशिप के लिए अलग पोर्टल बनाया था और उसी पे आवेदन लिया जाता था, लेकिन पीछे एससी एसटी के लिए सिर्फ लिंक ओपन हुआ था, बीसी ईबीसी के लिए लिंक ओपन नहीं हुआ था, तो अब बीसी ईबीसी के लिए भी लिंक ओपन होने जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचना पूरा विस्तृत अपडेट है। चलिए समझते हैं क्या जानकारी दिया गया है इस अपडेट में। यहां पे देखिए जानकारी दिया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सबसे पहले यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये जनरल को छोड़कर, अर्थात कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, आपका कास्ट कैटेगरी जनरल है, तो आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा अर्थात कि बीसी और आपका जो भी ईबीसी होता है वो, और एससी एसटी के छात्र छात्राओं के लिए है। तो एससी एसटी के लिए तो आवेदन हो रहा है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी आवेदन, यहां पे आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होने जा रहा है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितना रुपया मिलेगा, 2,000 से लेकर 1,25,000 रुपया तक की छात्रवृत्ति है, पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक एक प्रश्न का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि कौन कौन छात्र छात्राएं इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, तो जो भी छात्र छात्राएं नीचे जो एक कोर्स में बताऊंगा इसमें पढ़ाई कर रहे हैं अर्थात कि मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, उसके साथ साथ बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और जनरल कास्ट कैटेगरी छोड़कर किसी भी कास्ट से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग या एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं और आपका पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये से ज्यादा नहीं है, और आगे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आगे किसी भी आप सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति है, ये जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे और किस कोर्स में आगे आप नामांकन कराए हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा, यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, अगर आप इंटरमीडिएट में नामांकन किए जैसे आईएससी आईकॉम में, तो आपको 2,000 रुपया अधिकतम आपको राशि दिया जाएगा छात्रवृत्ति के तौर पर। देखिए वार्षिक सीमा यहाँ पे तय किया गया है। अगर आप स्नातक स्तरीय कोर्स कर रहे हैं बीएससी बीकॉम या कोई भी अन्य समकक्ष कोर्स, तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा छात्रवृत्ति के तौर पर। आप स्नातकोत्तर कोई भी कोर्स करें जैसे एमए एमएससी एमकॉम, तो आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति के तौर पर। अगर आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं अर्थात कि आईटीआई जैसे कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। अगर आप त्रिवर्षीय डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के समकक्ष कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, अगर आपका सभी जानकारी वेरीफाई हो जाएगा तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। अगर आप व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन कोई भी कोर्स इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल का कोई भी कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा। फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के छात्र हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको 75,000 रुपया दिया जाएगा। आप अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान इत्यादि में अध्ययन कर रहे हैं तो 4,00,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप आईआईटी पटना में अध्ययन करें तो आपको 2,00,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। अगर आप एनआईटी में अध्ययन करें तो आपको 1,25,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स जैसे निफ्ट पटना में या एम्स में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको 1,00,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। और अगर आप स्टेट एक्ट से गठित किसी भी नेशनल लॉ अर्थात कि आप एलएलबी वगैरह का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 1,25,000 रुपया छात्रवृत्ति आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपने कि कोर्स वाइज छात्रवृत्ति है 2,000 से शुरू हुआ है, अधिकतम 4,00,000 तक छात्रवृत्ति आप यहाँ पे आपको मिल सकता है। जो भी कोर्स का मैं नाम लिया हूँ, अगर इस किसी भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप बिहार राज्य का स्थायी निवासी हैं, आपका पारिवारिक आय 3,00,000 से कम है वार्षिक सालाना और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स नहीं करते अर्थात कि आप ईबीसी बीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। तो मैं बता दिया, क्लियर आप समझिए कौन छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे, जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी, इन सभी कोर्स में या जो भी कॉलेज मैंने दिखाया इसमें पढ़ाई कर रहे हैं और जनरल
कास्ट कैटेगरी के नहीं है तो सभी छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन होगा, उसके बाद आपके खाते में जो भी ये तय राशि है यहाँ पे आपके सामने है इतना आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा और ये पैसा कैसे आएगा। आया जा रहा है कि आपको आवेदन करते समय अपना बैंक का विवरण देना होगा और DBT के माध्यम से सीधे आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और डेट वगैरह अभी नहीं बताया गया है क्योंकि अगले मंथ से अर्थात कि जो मई के बाद जून शुरू होने जा रहा है तो जून में ये आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए बार बार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का बात हो रहा है क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में SC/ST के लिए वर्तमान में पोर्टल ओपन है, सिर्फ EBC और BC के लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए अपडेट आया कि उनके लिए भी पोर्टल ओपन होने जा रहा है। तो आप इसमें किसी भी संस्थान में स्टडी कर रहे हैं, IAS, IIM या कुछ भी कर रहे हैं, BSc, BCom पूरा मैंने अपडेट दिखा दिया। आगे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दे रहा हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो आप जैसे ही डेट आएगा मैं लिंक वगैरह बता दे रहा हूँ और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी आपको तैयार रखना है। आप आवेदन करेंगे और द्वारा दी गई सभी जानकारी सही होगा, आप इसमें छात्रवृत्ति में 2000 से लेकर और पूरा यहाँ पे देखिए 4 लाख रुपया तक जिस छात्रवृत्ति का आप पात्र होंगे उतना आपके खाते में सीधे पैसा भेज दिया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो जो मैं अपडेट दिखा रहा था इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन से ताकि आपको खुद से पढ़ लेना है कि क्या क्या जानकारी मांगा जा रहा है, सीधे आवेदन का लिंक और डेट वगैरह कैसे आपको पता चलेगा और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, तो की जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR Career Point बिल्कुल आपको स्पेलिंग टाइप करना है सही सही और सर्च कर देना है, आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा होगा स्पेलिंग करके सर्च करना है कीजिएगा। तो सबसे ऊपर जैसे आ रहा था arcareerpoint.com वेबसाइट, वैसे वेबसाइट शो का, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ना है, आपको मिल जाएगा arcareerpoint.in वेबसाइट, देख लीजिए लास्ट में होगा .in, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arcareerpoint.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिंक है देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है, इसी पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर जो नया अपडेट आया है पूरा यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट बात समझाया जा रहा है, हर एक अपडेट है तो यहाँ से आकर सभी अपडेट आप खुद से भी रीड कर सकते हैं ताकि आपके अंदर एक अच्छा समझ विकसित हो और आप जान पाए योजना के लाभार्थी बन सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है पूरा बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कितना पैसा मिलेगा तो यहाँ पे पूरा जानकारी है कि आपको कितना राशि यहाँ पे दिया जाएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे समझाया गया है। पैसा दिखा रहा था उसका भी यहाँ पे कोर्स वाइज यहाँ पे लिस्ट वगैरह अपडेट कर दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो 10th का मार्कशीट आपको चाहिए, उसके साथ साथ निवास, जाति, सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है, फी रिसिप्ट चाहिए इंस्टीट्यूट का, और जो भी आप एग्जाम पिछले साल पास किए लास्ट ईयर पासिंग ईयर का मार्कशीट और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब देखिए इसमें बाकी तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 10th 12th का मार्कशीट या जो भी आप जैसे मान लीजिए M.Com की पढ़ाई कर रहे हैं तो BA BSc BCom का मार्कशीट, ये सब चीज आपको क्लियर समझ में आ रहा है। एक चीज आपको नया लग रहा होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो आपको स्कूल कॉलेज से बनवाना होता है, मैं अभी लिंक आपको दे दे रहा हूँ आपको डाउनलोड करके बनवा कर तैयार रखना क्योंकि ये अपडेट बिहार सरकार की तरफ से इसीलिए जारी किया गया है ताकि जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। और फी रिसिप्ट भी आपको जिस भी स्कूल कॉलेज से आप पढ़ाई करें वहां पे आपको बनवा कर तैयार रखना है। देखिए जून में पोर्टल ओपन होगा, डेट नहीं आया, यहां से आकर चेक करते रहिएगा, जैसे ही डेट आएगा यहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहां पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सभी लिंक दिया गया, यहां पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप, SC/ST के लिए वर्तमान में ऑनलाइन हो रहा है तो सीधे यहां से अगर आप SC/ST कैटेगरी के छात्र हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, अगर BC/BC के आप कास्ट कैटेगरी के छात्र हैं तो यहां पे क्लिक करके चेक कीजिएगा, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कॉलेज लिस्ट की आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं उसका लिस्ट है कि नहीं तो यहां पे अपना कॉलेज लिस्ट देख लीजिएगा। फिर बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट की बात हो रहा था वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का सैंपल यहां पे दिया गया है तो सिंपल सा आपको यहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। हमने देखिए कुछ इस तरह बोनाफाइड सर्टिफिकेट का सैंपल यहां पे डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं यही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके अपने स्कूल कॉलेज से बनवा कर यहां पे सभी चीज आपको सिग्नेचर वगैरह करा के इसको अपलोड करना होगा फॉर्म में तभी आपको ये राशि मिलेगा। जो फी रिसिप्ट था तो फी रिसिप्ट का भी सैंपल यहां पे दिया गया है, अगर ये सभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा किस रूप में आपको बनवाना है सभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट और पूरा जानकारी है यहां पे आकर पढ़ लेंगे तो आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है जो भी प्रश्न शेष है सभी प्रश्न का जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा। स्कॉलरशिप का जो पोर्टल ओपन हुआ था SC/ST कैटेगरी के छात्रों के लिए, EBC के छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए भी पोर्टल ओपन होने जा रहा है, यहां पे ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि कितना किस कोर्स के लिए इस साल छात्रवृत्ति मिलेगा। पूरे जानकारी के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी रिसिप्ट संपूर्ण जो भी ऑफिशियल अपडेट आया उसको पढ़ने के लिए यहां पर आकर क्लिक करके सभी जानकारी पढ़ लीजिए और पूरा काम यहां से आप कर सकते हैं, मैंने लाइव दिखा दिया। डेट वगैरह आएगा या और कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे, तब तक सभी काम यहां से कर लीजिएगा, सभी अपडेट यहां से आकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।